लेटेस्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। वो भी क्या दिन थे, हमें दिल में बैठाया था कभी और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पर बनाई, मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया ये गाना आज बरबस ही कानों में गूंज रहा है। अलबत्ता गाने के पात्र ज़रूर बदले नजर आए। मौजूदा दौर में इस गाने में सपा शासनकाल में बेहद ताकतवर मंत्री आजम खान कमोवेश फिट नजर आ रहे हैं। कभी पुलिस प्रशासन और शासन दोनों को ही आजम खान अपनी उंगलियों पर नचाया करते थे और आज खुद नाच रहे हैं। जिस पुलिस ने उनकी चोरी की गई भैंस ढूंढने के लिए जमीन आसमान और दिन रात एक कर दिया था, आज वो उन पर मुकदमे दर्ज करते हुए थक नहीं रही। भैंस चोरी तक का आरोप अब उन पर लग चुका है। 65 मुकदमे अब तक आजम खान पर दर्ज हो चुके हैं। बेटा, भाई और परिवार के अन्य लोग पुलिस धाराओं की जद में आ चुके हैं, जबकि उनकी 78 साल की बहन को पुलिसिया अंदाज में रूबरू कराया जा चुका है। कई अवार्ड से सम्मानित खान साहब को अब प्रशासन, भूमाफिया और किताब चोर जैसे अलंकारों से नवाजा जा चुका है। जिस तरह से उनके खिलाफ मुकदमों की एकाएक बाढ़ आई है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी पानी सिर के और ऊपर तक जाएगा। समाजवादी पार्टी की दिशा और दशा तय करने का दम्भ भरने वाले आजम खान अब लगभग एक तरफा पड़ते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी नंबर दो की हैसियत रखने वाले आजम खान के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। अब तक रामपुर में ही उनके खिलाफ 76 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। समझा जा सकता है कि आने वाले समय में भी उनकी मुश्किलें कम होती बिल्कुल नजर नहीं आती। बता दें कि पिछले 3 महीने में उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी, किसानों की जमीन पर कब्जे, भैंस चोरी, पुलिस से रंगदारी मांगना शामिल है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक उन पर 76 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और खास बात यह भी है कि इनमें 1982 से लेकर अब तक जो भी तहरीर उनके खिलाफ की गई थी वो भी शामिल है। यानी उस वक्त भी जो तहरीर पुलिस में दर्ज नहीं हुई थी, उन पर भी पुलिस ने अपना रवैया बदल कर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इनमें से कई में जांच लंबित है। कुछ मुकदमों में ऐसी धाराएं शामिल हैं जिनमें गिरफ्तारी का भी प्रावधान है, यानी आजम खान जेल भी जा सकते हैं। उनके रिजॉर्ट की दीवार पहले ही तोड़ी जा चुकी है और जौहर विश्वविद्यालय का गेट भी जमींदोज किया जा चुका है। दरअसल आजम खान पर बड़ी संख्या में किसानों की जमीन हथियाने का भी मुकदमा दर्ज है। आजम खान बोलते हैं तो उनके बयान विवादित हो जाते हैं। आजम खान ने 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में एक शेर पढ़ा, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। इस शेर को आजम खान ने पढ़ा ही था, लेकिन इसी दौरान सदन की अध्यक्षता कर रही रमा देवी ने उनसे कहा कि आप भी इधर देखकर बात करिए, उधर मत देखिए। इस पर आजम खान ने कह दिया कि मैं तो आपको इतना देखूं कि आप कहीं की नजर हटा ले। वो यही नहीं रुके कि आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मैं आपकी नजरों में नजरें डाले बैठा रहूं। बस इसी बात पर लोकसभा में शोर मचना शुरू हो गया। वैसे आजम खान के साथ ऐसा पहली बार बिल्कुल नहीं हुआ, उन्होंने इस तरह के बयान पहले भी दिए हैं। आजम खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जया प्रदा और राम मंदिर जैसे तमाम मुद्दों और व्यक्तियों पर अपने बयान दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने रामपुर में एक चुनावी रैली में जया प्रदा का नाम लिए बिना ही, जिसे 10 साल पहले वो उंगली पकड़कर रामपुर लाए थे, उसे समझने में आप लोगों को 17 साल लग गए, जबकि वो 17 दिन में ही उसकी असलियत समझ गए हैं और ये भी जान गए हैं कि उनके अंडरवेयर का रंग खाकी है। उनके इस बयान पर जरूर सभा में ताली पिटी, लेकिन देश भर में खासी आलोचना का सामना भी उन्हें करना पड़ा। आजम खान ने कारगिल युद्ध को भी राजनीतिक रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बदजुबानी का दूसरा पर्याय बन चुके आजम खान का कहना था कि कारगिल युद्ध की पहाड़ियों को फतेह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि मुसलमान फौजी था। आजम खान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल और राजीव गांधी पर भी अमर्यादा टिप्पणी करने से बाज नहीं आए। ये वही आजम खान है जिसने भारत माता को डायन तक कह दिया था। बाद में आजम खान ने कहा कि ऐसा उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में कहा। यहां हम आपको बता दें कि भारत माता है और ऐसा हर भारतीय मानता और जानता भी है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, फिर से लौटेंगे ऐसी और बड़ी खबरों को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।